सो वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम 170,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो चलिए आज के हमारी पहली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं, मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे अपने ट्विटर पर ट्वीट किए, जहां पर वो कहे कि एक तरफ स्कूल में सिखाया जाता कि भेदभाव नहीं करना चाहिए और फिर शादी के मामलों में ऊंच नीच जात पात समझ नहीं आता क्या करे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मनोज डे ने ऐसा यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि थोड़े दिन पहले मनोज डे अपने इंस्टाग्राम पर लाइव थे, जहाँ पर वो बात किए थे अपने रिलेटेड और वहाँ पर वो बताए थे कि जिनको मनोज डे पसंद करते हैं उनके घर वाले उनके लिए तैयार नहीं है। तो मैं भी शायद उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर मनोज डे एक बार फिर से यहाँ पर ट्वीट किए। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं, क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप अनाउंस कर दिए कि उनकी एल्विस के ऊपर में आने वाली वीडियो आपको 10 जनवरी को देखने को मिल जाएगी। और अभी एल्विस के बारे में बात चली गई तो बात लेते हैं कि एल्विस क्यों ज्यादा गुस्सा हुए स्विगी के ऊपर में। तो जैसा कि आप यहाँ पर बिलबोर्ड पर स्विगी का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो और इसके ऊपर में एल्विस का कहना यह था कि केवल हिंदू फेस्टिवल को टारगेट क्यों किया जाता है। तो इसके अलावा एक और ट्वीट के यहाँ पर एल्विस यादव जहाँ पर बताया कि क्रिसमस के ऊपर में मैरी क्रिसमस, ईद के ऊपर में ईद मुबारक और होली के ऊपर में बुरा मत खेलो, डोंट यूज एग। तो यहाँ पर एल्विस स्विगी के ऊपर में इसलिए गुस्सा था कि यहाँ पर पार्शियलिटी क्यों की जाती है त्योहारों को लेकर के। बाकी आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला रोहित शर्मा के ट्वीट के साथ में। तो रोहित शर्मा अपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे जहाँ पर होली के लिए विश किए थे सभी को और लास्ट में यहाँ पर कहे थे कि जम के खेलो बट थोड़ा संभाल के, एनिमल को बचा के। और इसके ऊपर में रिप्लाई करते हुए सम्राट भाई कहे कि ईद मुबारक सर, जम के बकरीद मनाओ बट प्लीज बकरे मत खाओ। और इसके ऊपर में लक्ष्य भी रिप्लाई किए जहाँ पर कहे भाई जानवरों के ऊपर में कलर मत डालना क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जानवर थाली में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइज ये सब देखने के बाद में आप इसके ऊपर में क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं आशीष संचलानी के बारे में। तो आशीष संचलानी की नई वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर थी, जिस पर वो रिएक्शन देते हुए अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए। इसके अलावा बात लेते हैं थगेश के बारे में। तो थगेश के सेकंड चैनल थगेश अनफिल्टर पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, सो उनको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं सौरव जोशी और UK07 राइडर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा सौरव जोशी एंड UK07 राइडर आपस में फन के तौर पर एक दूसरे को हल्का सा ट्रोल कर रहे थे। और इसी बीच बाबू भैया ने सौरव जोशी से पूछा उनकी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर के कि जब भी सौरव जोशी के नाम से कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो सौरव जोशी कभी भी रिप्लाई नहीं करते, दूसरी तरफ से रिप्लाई आते रहते हैं। मैं कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा पूछ रहा था, कंट्रोवर्सी हमारे एंड से कभी होती नहीं, लोग बना लेते हैं। तो अरे भाई आप भी लाइक मैंने देखा है आपके एंड से तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा बस लोगों के एंड से वीडियोस आ रही होती है। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं है, मैं तो अपना काम करते रहता हूँ, डेली वीडियो बनाते रहता हूँ बस। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक।